हेलो एवरीवंस, पिछली क्लास में हमने क्लासेस के बारे में पढ़ा था। क्लासेस और इंसेक्ट का अदर आर्थ्रोपोडा के क्लास से क्या रिलेशन, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। और ये चीज़ें देखने के बाद जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा, अगला लेक्चर हमारा है मॉर्फोलॉजी पे, समझ रहे हैं ना। पिछली क्लास में जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेगा, क्योंकि थोड़ा मैंने चीज़ें उसमें समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने बता दी थी, और कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं। जितना आपको जरूर आवश्यकता थी उतने मैंने बताया था। मॉर्फोलॉजी में देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैंने बताया था कि इंसेक्ट के बारे में हमको ज़्यादा स्टडी करनी है, और इंसेक्ट के बारे में स्टडी करने के साथ ही हमने क्या पढ़ा था, आर्थ्रोपोडा को, फाइलम आर्थ्रोपोडा को पढ़ा था। उनमें जितने भी क्लासेस थे उनके बारे में एक एक एग्जांपल देखा था। अब इंसेक्ट हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि इंसेक्ट बहुत ही ज़रूरी है, हमारा जो मेजर पोर्शन है इंसेक्ट ही है, समझ रहे हैं ना। किसी भी पेस्ट जो कोई क्राप का डैमेज हो या इन्फेस्टेशन हो या क्राप को जो भी नुकसान करता है, तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन इन्वॉल्वमेंट होता है वो इंसेक्ट का ही होता है, इसलिए इंसेक्ट का स्टडी करेंगे। देखो मॉर्फोलॉजी पढ़ने से पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में क्या है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में ये देखो साधारण सा फिगर, और जो ये मैंने फिगर आपको बनाया यही आपका नोट्स है, इस फिगर को आप बना लीजिएगा और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। जो भी चीज़ें मैंने आपको ये चीज़ें पहले भी बताई हैं, देखो एक्सटर्नल फिगर में मैंने जनरल सा आपको सिर्फ आइडिया दिया है। ये किसी भी मॉर्फोलॉजी बुक को पढ़ने से पहले इस चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको आनी ही आनी चाहिए, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें देखो इसमें मैंने बताया, देखो मैंने बताया था आपको, कई बार बताया हूँ आपको कि जो इंसेक्ट की बॉडी है थ्री रीजन में डिवाइड होती है। हेड होता है, कहीं कहीं मैंने पिछली वीडियो में यहाँ थोरेस की जगह एब्डोमन बोल दिया, यहाँ सेगमेंट बोल दिया, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। और देखो ये वाला हेड वाला पोर्शन है ना, फिर यहाँ पे थोरेक्स है, मैंने थोरेक्स पे तीन सेगमेंट आपको बताए थे, तीन सेगमेंट कौन कौन से थे, प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, समझ रहे हो ना। और एब्डोमन पे देखो कितने सेगमेंट है, एब्डोमन पे वैसे जनरली होते हैं, होने चाहिए 11 सेगमेंट, लेकिन 11 सेगमेंट सब में नहीं होते हैं। देखिए एब्डोमन भी कई सारे सेगमेंट में बटा होता है, और हर सेगमेंट के कोई ना कोई कंटेनिंग पोर्शंस होते हैं और जिसके डिफरेंट वर्क होते हैं, समझ रहे हैं ना। देखो अब इसमें क्या है, माउथ पार्ट भी देखो यहाँ पे हेड में आ जाइए, हेड वाला रीजन यहाँ मिटा देता हूँ मैं, हेड वाले रीजन में देख रहे होंगे आप। इसमें देखो ये है कंपाउंड आई, समझ रहे हो ना, मैंने बताया था हेड वाला 6 सेगमेंट बना होता है, इसमें कई सारे सेगमेंट होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे माउथ पार्ट है ना, माउथ पार्ट है, माउथ पार्ट भी कई सेगमेंट्स में बना होता है, जैसे मैंडिबल्स हो गया, मैक्सिलरी, ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँ, एक जनरल आइडिया आपको सिर्फ दे रहा हूँ, समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा। ये जनरल आइडिया है किसी भी लेक्चर को शुरू करने से पहले, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, देखो हेड होता है, ये हेड वाला पोर्शन है। अब हेड वाले पोर्शंस में यहाँ जहाँ मैंने क्लिक किया है, देखो कंपाउंड आई का काम क्या होता है, किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को देखना, समझ रहे हो ना। जैसे हमारा भी एक आई होता है, आँख है, हम भी आँख से क्या करते हैं, देखने। अच्छा कंपाउंड आई क्यों बना है, क्योंकि इसका जो कंपाउंड आई है छोटी छोटी ओमेटीडिया से बना है, बहुत सारे ओमेटीडिया से मिल के फिर एक कंप्लीट कंपाउंड आई बना है, इसलिए इसको कंपाउंड आई बोलते हैं, समझ रहे हो ना। ओमेटीडिया को किसी में नेक्स्ट क्लास में आपको एलोबरेट कर दूंगा, अभी के लिए इतना ही समझिए। अब देखो यहाँ सिंपल आई पाया जाता है, देखो जब सिंपल आई किस लिए होता है, जब ये कंपाउंड आई डेवलप नहीं होता है इंसेक्ट में, तब देखने का जो सेंस करने का काम होता है सिंपल आई से ही करता है। यहाँ पे एंटनी है, एंटनी का मैंने बताया ही था कि क्या क्या होता है, किसी चीज़ को सेंस करना, महसूस करना, समझ रहे हो, उसमें ह्यूमिडिटी को महसूस करना, एयर को महसूस करना, यही सब काम होता है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें एंटनी के जनरली तीन सेगमेंट होते हैं, मैं आपको बताऊंगा तीन सेगमेंट, वो आपको एक फर्स्ट सेगमेंट होता है, एक सेकेंड सेगमेंट होता है, एक थर्ड सेगमेंट होता है, समझ रहे हैं, तीन सेगमेंट होते हैं, समझ रहे हैं, सबके अलग अलग कार हैं। तो अब देखो इसमें क्या है, माउथ पार्ट में यही हो गया, मैंने माउथ पार्ट बता दिया। देखो माउथ पार्ट में क्या होता है, मैंडिबल होता है, लेब्रम होता है, लेबियम होता है, मैक्सिली होता है ना,
और ये सबका एक मिलके क्या करते हैं, कम्प्लीटली क्या करते हैं, ये पूरा एक माउथ पार्ट बनाते हैं। यानी ये जो माउथ पार्ट है, सॉरी बार बार बंद हो जा रहा है, एक मिनट, समझ रहे हो ना, आई थिंक आपको समझ में आएगा। देखो अब देखो, ये थोरेक्स में तीन सेगमेंट है। देखो टू पेयर्स विंग्स पाए जाते हैं इसमें। देखो मीजो एंड मेटा पे विंग्स पेयर पाए जाते हैं, यानी फोर विंग्स मीजो पाया जाएगा और हिंड विंग जो है मेटा थोरेक्स पे है। थोरेक्स पे तीन सेगमेंट होते हैं। देखो प्रोथोरेक्स, इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा, मीजो थोरेक्स, मेटा थोरेक्स, समझ रहे हो। और एवरी थोरेक्स सेगमेंट पे थ्री पेयर लेग्स हैं। देखो एक एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये तीन पेयर हैं, यानी छह लेग होंगे। इस साइड भी जब आप अपोजिट साइड देखेंगे, अपोजिट साइड भी हैं। फिगर ऐसे लिटरली बना है, इसलिए फिगर में काफ़ी कुछ क्लियर नहीं है। अब देखो एब्डोमेंस में क्या है। अब देखो इसमें जो लेग्स में है, लेग में कई सारे सेगमेंट होते हैं, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टॉर्सेस, ना ये सारे पोर्शंस हैं ना, ये लेग के पोर्शन हैं। जब मैं आगे चीज़ें बताऊँगा आपको डिटेल में बताऊँगा, अभी के लिए बस इतना ही सुन लीजिए। अब देखो यहाँ पे मैंने स्पाइरकल्स बना दिया है छोटा छोटा ना, यहाँ भी इसका स्पाइरकल होता है, यहाँ भी स्पाइरकल होता है। देखो ग्रास हॉपर में क्या होता है, स्पाइरकल का काम क्या होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम को बनाए रखना ना, एयर जो कंडीशनिंग है उसमें बॉडी में बनी रहे। तो एयर इसी स्पाइरकल के थ्रू क्या होता है, इंटर करता है। स्पाइरकल्स क्या होता है, एक ओपनिंग्स ऑर्गन्स होता है जो बॉडी में खुलता है ना, उसी के थ्रू एयर क्या करेगा, इंटर करके, जैसे हम लोग सांस लेते हैं नाक द्वारा, ऐसे इसमें समझ लो स्पाइरकल्स क्या काम करता है, स्पाइरकल नाक का काम करता है इसमें, इंसेक्ट में ना सांस को लेने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। अब देखो इसमें अगर ग्रासहॉपर के केस में देखा जाए तो इसमें 10 पेयर पाए जाते हैं। 10 पेयर क्या पाए जाते हैं, स्पाइरकल्स पाए जाते हैं ना, यहाँ मैंने लिखा भी है। देखो यहाँ, देखो यहाँ, देखिए स्पाइरकल्स आपको दिख जाएगा। अब देखो यहाँ सेगमेंट लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट पे आपको सरसाई, एपिप्रोक्ट, पैराप्रोक्ट, ओविपोजिटार। ओविपोजिटार क्या होता है, ओविपोजिटार जनरली होता है कि 8 से जो 9 सेगमेंट के बीच में ना, जो एब्डोमिनल का मॉडिफिकेशंस होता है, ओविपोजिटार मतलब एक लेइंग के लिए जो प्रिपेयर होता है, फीमेल के केस में ये पाया जाता है, ओविपोजिटार के थ्रू ही क्या होता है, एग लेइंग करता है, समझ रहे हो ना। किसी कोई भी जगह अगर एग लेइंग करना हुआ तो इसी का यूज करता है, इसी भी पोर्शन। और मैंने बताया था सारे जेनेटल ऑर्गन जो फीमेल के होते हैं 8 से जो 9 या 10 सेगमेंट के बीच में ही सब पाए जाते हैं, चाहे मेल में हो या फीमेल में हो, थोड़ा सा बैरी करता है, समझ रहे हो। बस आज के लिए इतना ही, मैंने क्या क्या आपको बता दिया, मैंने बॉडी रीजन के बारे में आपको बताया है, बॉडी रीजन में किसके बारे में बताया है, हेड के, थोरेक्स से, एब्डोमेन के बारे में बताया है, हेड में कौन कौन से रीजन है, सिंपल आई है, कंपाउंड आई है, एंटनी है, मैंडिबल है, मैक्सिली है, लेबियम है, लेब्रम है, समझ रहे। थोरेक्स में 3 पोर्शन है, थोरेक्स में कौन कौन से हैं, मीजो है, प्रो है, मीजो है, मेटा थोरेक्स है, और हर एक सेगमेंट में एक पेयर, एक जोड़ी क्या होते हैं, लेग पाए जाते हैं। और मीजो और मेटा थोरेक्स में ओनली मीजो और मेटा पे क्या पाए जाते हैं, वन पेयर क्या पाए जाते हैं, विंग्स पाए जाते हैं। प्रो पे कोई विंग नहीं पाया जाएगा, सिर्फ मीजो और मेटा पे पाया जाए। एब्डोमिनल सेगमेंट होता है, एब्डोमिनल सेगमेंट में अलग अलग सेगमेंट के कुछ ना कुछ काम होते हैं, समझ रहे हो ना। ये सारे आज के लिए इतना ही, इस फिगर को आप बना लीजिएगा और इसको बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिएगा, बिकॉज अगर ये याद नहीं होगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखो अब यहाँ देखो एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने टिम्पैनम आर्गन बनाया है। टिम्पैनम आर्गन का क्या करता है, ऑडिटरी आर्गन्स है। टिम्पैनम आर्गन का काम क्या है, सुनने का काम, यानी अगर सुनने हेयर करने का काम होगा, अगर हेयरिंग का काम करना होगा इसको, तो टिम्पैनम आर्गन का प्रयोग करेगा, जिसे ऑडिटरी आर्गन बोलते हैं। ऑडिटरी आर्गन ना, क्या बोलते हैं, ऑडिटरी आर्गन, यानी सुनने का काम इसी से करेगा। और देखो और क्या मैंने बताया है, स्पार्कल मैंने बता ही दिया, 10 पेयर इसका स्पार्कल पाए जाते हैं। ग्रास हॉपर में सब में 10 पेयर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ग्रास हॉपर में ही वेल डेवलप होते हैं स्पार्कल्स ना। तो स्पार्कल का काम क्या है, सांस लेने का काम है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। मॉर्फोलॉजी मैंने शुरू कर दिया है और मॉर्फोलॉजी में ये फिगर आप लोग जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि बिना इसके आगे के लेक्चर आपको समझ में नहीं आएंगे। इट्स ओके, आज के लिए इतना ही।